कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। ओह नो, फिर से कोई बुढ़ा आया होगा। हाँ, ये बात सही कहा तूने। और हमारे कॉलेज में कोई यंग प्रोफेसर आ ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है यंग प्रोफेसर होते नहीं, सारे के सारे बुढ़े होते हैं। ये तूने सही कहा। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू आर्ट टीचर मिस्टर जंग जंग कुक। ओह माय गॉड, ये कितनी हैंडसम है। तूने देखा सर कितना हैंडसम है? हाँ देख रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुझे सर को पसंद नहीं आया क्या? इसमें पसंद करने वाली क्या बात है? और सर तो हमारे गुरुजी समान होते हैं। तू क्या पागल है? इतनी हॉट और हैंडसम सर को तू किस एंगल से गुरुजी बोल रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता सर को तो गुरुजी बोलते हैं? उफ अल्लाह, तुझे तो समझाना बेकार है। और तुझे अगर उन्हें गुरुजी मानना है तो मान, बट मैं नहीं मानूंगी। मैं तो उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। वो दोनों बात कर रहे थे तभी सबको जंगकुक की आवाज आता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया और आप सभी अपना बड़ी बड़ी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो सर, आई एम लीजा। उसके बाद ऐसे ही करते हुए सभी स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ देर बाद तीर का गाड़ी आती है। हेलो सर, आई एम। उसके बाद सुन जिंगकुक एक ध्यान में तीर को देखता है। तुम्हें इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, नाइस नेम, बैठ जाओ। जंगकुक इस कॉलेज में प्रोफेसर है और जंगकुक ते को पहले से ही जानता है, बट ये बात ते को नहीं पता होता। जंगकुक ते को बहुत पहले से पसंद करते हैं। जंगकुक ते के लिए इस कॉलेज में प्रोफेसर बन के आया है। और लेक्चर खत्म होने के बाद ते और जेनी लाइब्रेरी आ जाते हैं। ए, तुम लाइब्रेरी क्यों आई हो? ओ, मुझे ना एक बुक चाहिए थी तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी आई हूँ। ठीक है, तुम बुक ले लो, मैं कैंटीन जा रही हूँ। मुझे ना बहुत भूख लगी है। और तुम्हारा बुक लेना हो गई तो कैंटीन आ जाना। ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊँगी। लाइब्रेरी आ जाने के बाद बुक ढूंढने लगती है, तभी उसकी नज़र एक बुक पर जाती है। ते उस बुक को लेकर रीड करने लगती है। रीड करते करते ते एक नोट निकाल कर उसमें कुछ लिखने लगती है। कहते हैं ऊपर वालों ने हम सब के लिए किसी ना किसी के लिए बनाया है। अगर सबके लिए बनाया है तो फिर मुझे क्यों भूल गए हो? मेरे लिए किसी को क्यों नहीं बनाया? कोई ऐसा जो मेरा हाथ पकड़ कर मेरे साथ साथ चले, जो बस एक बार मेरी आंखों में देखकर ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें हैं। के बाद ते लेटर को बुक में रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जंगकुक एक बुक लेने के लिए लाइब्रेरी में आता है। और जब जंगकुक बुक ढूंढ रहा था तब उसकी नज़र उस बुक पर जाती है और जंगकुक को बुक रीड करता है। तभी जंगकुक को तीर का लेटर मिलता है और रीड करता है और फिर लेटर का जवाब देता है। प्यार सबरे का नाम है, इंतजार का नाम है। अगर आसानी से मिल जाए तो फिर प्यार में वो बात कहाँ। सागर किनारे बैठकर कभी मोती नहीं मिलता। मोती ढूंढने के लिए समंदर की गहरी ही में जाना पड़ता है। वैसे ही प्यार ढूंढने के लिए अक्सर दोनों को
दूसरे रूह तक जला पड़ता है। लंबा सफर है, धीरे धीरे तैयार होगा, थोड़ा सा सबर करो। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको क्लास नहीं करना है क्या? तुझे मैं कितना बार बोला है मुझे कॉलेज में भाई बोलकर मत बुला कर, तू सुनती क्यों नहीं? सॉरी सर, एक्चुअली ना मैं भूल गई थी। अच्छा अब मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ जल्दी बोल जो बोलना है। भाई आप उसे बोल क्यों नहीं देते? आप उसे पसंद करते हो?